हाय एवरीवन, आज का लेक्चर मैं ब्रिक्स पर लेकर आई हूँ। बिफोर स्टार्टिंग टू द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल दैट फ्यू ऑफ द व्यूअर्स आर सेइंग कि मैम आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, बट एक्सप्लेनेशन और करिए। आई अप्रिशिएट एंड आई रियली लुक इनटू दैट मैटर, बट जो मेरी पहले की ऑडियंस थी, जो मेरे पहले के व्यूअर्स थे, उनको मेरी जो वीडियो थी, जब मैं इन डिटेल समझाने की कोशिश या मैंने बताई इन डिटेल, तो उनको मेरी वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी लगती थी। तो जो वो व्यूअर्स ने और जो मेरे पहले के जो ऑडियंस हैं, जब उन्होंने कमेंट्स में मुझे मेंशन करा, एंड आई नो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है सबका, और एवरीवन वांट कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो जल्द से जल्द और शॉर्ट वे में समझाया जाए। कुछ कुछ ऑडियंस और कुछ कुछ व्यूअर्स ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस व्यूअर्स जो थे मेरे, प्रीवियस की जो मेरी ऑडियंस थी, उनके बेस पे मैं अपनी वीडियो को ट्रिम कर दिया और मैंने अपने लेक्चर को शॉर्ट कर दिया, बट मेरा कंटेंट इन डिटेल रहा है। या आई स्टॉप एक्सप्लेनिंग इन डिटेल ड्यू टू द रीजन कि मेरी प्रीवियस ऑडियंस डजंट वॉन्ट टू लिसन टू मच ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बट जिस तरीके से मुझे कुछ फ्यू कमेंट्स आए अभी रिसेंट टाइम में, आई विल डेफिनेटली कंसिडर योर व्यूज, कंसिडर योर कमेंट्स एंड वट एवर यू हैव आस्क मी, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। सो मेरा जो लेक्चर है वो डेफिनेटली आई विल give you in detail, I have no issue with that, but due to the reason ki lengthy na ho jaye video, so I trim all those things, all those points which I explain in detail, and then I added that whole video and put it into limited length so that you could easily access aur jo aapka basic concept hai wo clear ho jaye। But in coming videos aur jo mere coming lectures hain, I will definitely try to be not too much or like I will not make it too short, but I will definitely make it possible ki in detail main acche se explain kar sakun, jisse ki all the viewers, all the audience of this channel make or satisfy with my content. So let's begin. Aaj ka lecture main bricks pe lekar aayi hu, aur jo bricks hai, as we all know, it stand for Brazil, Russia, India, China and South Africa. Before it was only BRIC, later it considered into BRICS. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो जिम ओ'नील, he was an economist, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था BRIC 2001 में, जो उनकी पब्लिकेशन थी बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स BRICS। और जो ब्रिक का हेडक्वार्टर है, दैट इज इन शंघाई चाइना। ब्रिक पुट्स अंडर अ कॉमन लेवल लेबल द फोर लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग कंट्रीज, जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बेसिकली जो ब्रिक का कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली फॉर्म हुआ था सितंबर 2006 में, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग की गई थी। तो इसके कॉन्सेप्ट, उसके क्या चीजें होनी चाहिए, क्या ब्रिक कर सकता है, वो ओरिजिनली 2006 में फॉर्म किया गया था बाय फोर कंट्री, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, जिसको माना गया कि दे आर गोइंग टू बी सुपर इकोनॉमिक कंट्रीज बाय 2050। और इसको उन्होंने एब्रिविएट कर दिया एज ब्रिक। बट ये एक्चुअल और ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में जब आया, जब फर्स्ट ब्रिक की फॉर्मल समिट हेल्ड हुई थी ऑन 16 जून 2009 में। सो ब्रिक के जो ये चारों कंट्री हैं, इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक डेवलप करनी है, और इंडिविजुअल ब्रिक कंट्री के स्पेशल फोकस हैं उनके अपने रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, चाहे वो रिलेशन टू एक्सटर्नल्स हो, ट्रेड हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो, और इनके अलग अलग मॉडल्स हैं कैसे इन्हें अपना फ्यूचर डेवलपमेंट करना है। जैसे कि माना जाता है कि जो ब्राजील की इकोनॉमी है, दैट इज सर्विस इकोनॉमी बेस्ड, बिकॉज माइनिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीजिंग,
जो ब्राजील की इकोनॉमी है वो सर्विस इकोनॉमी ओरिएंटेड है मानी गई, और जो रशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हेविली डिपेंड है ऑन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। इंडियन की इकोनॉमी सर्विस लेड सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट्स बेस्ड है, और चाइना की इकोनॉमी इज ड्राइवन बाय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस है। सो ये चारों इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी द वर्ल्ड फॉरमोस्ट प्रोवाइडर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सर्विसेज एंड रॉ रिसोर्सेज बाय द ईयर 2050। जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे चाइना और इंडिया ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राजील और रशिया को एज द वर्ल्ड लीडिंग सप्लायर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सर्विसेज रिस्पेक्टिवली। मैंने बताया था जैसे कि पहले ये ब्रिक टर्म कॉइन आउट किया गया, साउथ अफ्रीका बाद में इस ब्रिक का हिस्सा बना। साउथ अफ्रीका मेंबर बनना चाहता था ब्रिक का, और ये ऑफिशियली बिकम अ मेंबर नेशन ऑन 24 दिसंबर 2010 में हुआ, और फिर उसके बाद से ब्रिक को ब्रिक्स नाम से रिनोट किया, और इस इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अब ब्रिक्स नाम से रेफर किया जाता है। साउथ अफ्रीका 2010 में साइंड अप हुआ और ऑफिशियली मेंबर बना, एंड 2011 से इट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स समिट। जैसे कि मैंने बताया कि ऑफ कोर्स उनके कॉमन फीचर्स हैं जो ब्रिक्स हैं, जो ये पांच कंट्री हैं, इनके कॉमन फीचर्स हैं कि ये बिग लैंड साइज के हैं, लार्ज पॉपुलेशन पाया गया इनमें, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, बट उसके साथ साथ इनमें डिफरेंसेस भी हैं, और ड्यू टू द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एंडोमेंट देर आर सर्टेन थिंग्स जो इन फाइव कंट्रीज में देखी गई, और इनमें कुछ ऑब्स्टेकल्स भी पाए गए। जैसे कि मैंने बताया कि 2001 में ये टर्म आया, एंड 2006 में इस ब्रिक के कॉन्सेप्ट को मीटिंग में डिस्कस किया गया। 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस देखे गए, देयर वो टुक द रीजन कि हमें ब्रिक्स का फॉर्मेशन करना जरूरी है। सो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, दैट वाज द मेन कॉजेस की फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स हुआ, एंड देन फाइनली 2009 में ब्रिक्स एज ऑफिशियली फॉर्मड बाय दीज फोर कंट्रीज। जब ब्रिक्स हो चुका, जब ब्रिक्स बन गया, और जो ये ब्रिक्स फाइव पावर्स बन गई एंड दे कम टुगेदर, तो उन्होंने रिफॉर्म किए कुछ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, जिसकी वजह से उन्होंने बताने की कोशिश करी जो रोल है इमर्जिंग इकोनॉमीज के, वो वर्ल्ड इकोनॉमी में जब भी आगे और जब भी बढ़ सकते हैं और जब भी प्रोनाउंस्ड आउट हो सकते हैं when there is a need or there is a urgency in the reformation of the multilateral institution. 2010 में ब्रिक्स को मैनेज किया गया इस तरीके से, जिसकी वजह से IMF को रिफॉर्म किया गया, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वेस्टर्न लॉस के द्वारा वो रिड्यूस हुए। ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मिशंस आर द सेम थिंग, और ब्रिक्स का एम पर्टिकुलरली ये था कि कैसे पीस को प्रमोट करना है, सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, और जो डेवलपमेंट और कॉपरेशन होता है पांच कंट्री में इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर्म करे, एंड कॉमन इंटरेस्ट दे बॉर्न आउट कि कैसे प्रमोट करना है ट्रेड, डेवलपमेंट करना है अक्रॉस कंट्रीज इन द रीजन, एंड जो इम्प्रूव, जिस वजह से ये जो फाइव कंट्रीज एक साथ आई वो रीजन ये था कि इन्हें अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना था। जो ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत नीचे थे इनके सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन, उसको टैकल करना था। जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे इनके सिचुएशन में, उन इश्यूज को एड्रेस करके इन्हें अपने में डेवलपमेंट लाना था, अपनी इकोनॉमी को, अपने सोशल सिचुएशन को, एवरी फील्ड ऑफ द डेवलपमेंट दे वांट टू एसिलरेट। तो उसमें उन्होंने इंक्लूड किया कि ग्लोबल फाइनेंशियल में रिफॉर्म करना है, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में हमें इस तरीके से
प्रिंसिपल्स और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ को वो मजबूत करने हैं, जिसकी वजह से वो सपोर्ट कर सकें अपने अदर सेक्टर्स जो इकोनॉमी के प्ले आउट करते हैं, जो इकोनॉमी को बढ़ाने में और जो इकोनॉमी को एक्सिलरेट इजीली कर सकें। ब्रिक्स का एजेंडा बहुत बड़ा है एंड यही रीजन था कि जब वो स्टार्ट हुआ, जो कंसल्टेशन दिखा कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था 2008 और 2009 से, जो एजेंडा लेकर आया ब्रिक वो इसी वजह से लेकर आया कि जो कंसर्न था कि क्लाइमेट चेंज हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए, फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, हेल्थ इश्यूज को एड्रेस किया जाए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया जाए, MDGs इन सबको रिफॉर्म इस तरीके से किया जाए कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स प्रोवाइड करें। ब्रिक्स सीक्स टू डीपन, ब्रॉडन एंड इंटेंसिफाई कॉपरेशन। ऑफकोर्स कि जो ब्रिक्स का था ऑब्जेक्टिव वो ये था कि किस तरीके से वो कॉपरेट करें कि उनका जो रिलेशन है, जो इंडिविजुअल कंट्री है, वो मोर सस्टेनेबल हो, इक्विटेबल हो और म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट ले। ब्रिक्स ने इतना कंसिडर किया कि हर मेंबर, जो भी ब्रिक्स का मेंबर है और जो ब्रिक्स में जो टीम बनी है 5 कंट्रीज की, वो ईच मेंबर का ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे और जो पावर्टी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसकी वजह से ये इंश्योर किया जाए कि जो रिलेशन है इट बिल्ड ऑन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड टू अवॉइड कॉम्पिटिशन वेयर पॉसिबल। ब्रिक्स इमर्ज एज अ न्यू एंड प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी। इट इज हेयर कि जो न्यू प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी की तरह इंट्रोड्यूस की गई, इमर्ज की गई, क्योंकि डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स थे एंड रिफॉर्म मीन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि कैसे डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ इन 5 कंट्री का, रीजनल डेवलपमेंट होने चाहिए, जो ट्रेड बैरियर्स ये 5 कंट्री फेस कर रही थी जिसकी वजह से इनकी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बढ़ पा रही थी, इनकी GDP नहीं बढ़ पा रही थी, उनको ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया, जो इन 5 कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया गया एट इट्स बेस्ट, और कैसे हार्मोनी नेशन और स्ट्रेंथन रिलेशनशिप कर सकते हैं वो इट मेक्स देम सेल्फ एंड इट अचीव ग्लोबल डोमिनेंस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करा इन इमर्जिंग इकोनॉमीज ने, इन इमर्जिंग 5 कंट्रीज जो थी, एंड दे मेड इट कि कैसे ये ग्लोबल डोमिनेंस रखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और रॉ मटेरियल्स जो इनका टारगेट है 2050 तक। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक्स जो पाए गए, जो ये 5 कंट्री थी इनमें कुछ फीचर्स हैं जो सिमिलर हैं। ऑफकोर्स 24% ऑफ वर्ल्ड GDP और ये रिप्रेजेंट करते हैं 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो भी कंट्री है EU से और USA से, यूरोपियन यूनियन और USA से, ये पार्ट नहीं है ब्रिक्स का। और गोल्डमैन सच कम अप विद द आइडिया ऑफ ब्रिक्स, जब 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, रिकेशन आए, विद दिस आइडिया गोल्डमैन केम आउट। ब्रिक्स में 13 सुमित अभी तक हुई हैं और जो ये सारी सुमित हुई थी, ब्रिक्स समिट्स जो आई थी, इट पॉइंट आउट सम ऑफ द मेजर थिंग्स इन देयर मीटिंग। जो फर्स्ट ब्रिक हुई थी दैट टेक प्लेस इन 2009, जो रशिया कंट्री ने होस्ट किया था, उसमें बताया गया था कि जो इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं 2008 की वजह से, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उसकी वजह से रिफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। फिर सेकंड ब्रिक्स हुआ 2010 में ब्राज़ील में, जिसमें उन्होंने फोकस आउट किया गया कि कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना है, जिसकी वजह से जो मेमोरेंडम कॉपरेशन बिटवीन डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ ईच कंट्री साइन आउट किया गया, मल्टीपल इंटर ब्रिक्स कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन दैट मीट आउट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड थिंक टैंक सेमिनार पे। थर्ड ब्रिक में 2011, जो मैंने बताया था कि 2010 में साउथ अफ्रीका बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिक, बट 2011 में, 2011 से ही टुक पार्टिसिपेट इन दिस ब्रिक्स समिट।
साउथ अफ्रीका ज्वाइंस द एसोसिएशन 2011 में, जो थर्ड ब्रिक्स की समिट में हुआ, पिचिंग फॉर यूएनसी रिफॉर्म्स और न्यू वेंचर्स इन अफ्रीका प्रपोज किए गए। फोर्थ ब्रिक जो समिट हुई वो 2012 में हुई इंडिया में, जिसमें बताया गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया एंड कुछ फॉरेन पॉलिसीज एड की गई उसके अंदर, और बैंक टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिक्स इन द थर्ड वर्ल्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज इस्टेब्लिश किए गए। फिफ्थ ब्रिक्स समिट हुई, दैट इट टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका, जिसमें CRA कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को सेटअप किया गया, थिंक टैंक सेटअप हुआ जिसको ई थेक्विनी डिक्लेरेशन नाम से जाना जाता है। सिक्स ब्रिक ब्राजील में हुई 2014 में, और इसका जो थीम था कि कैसे हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो CRA एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड चाहिए थे वो हमें मिल सके, और इन इमर्जिंग मार्केट्स में वो साइन आउट किए गए। सेवन ब्रिक रशिया में हुई, उसमें एक्सेप्ट किया गया एग्रीमेंट को, CRA को, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया गया, एंड CSO शनाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ज्वाइंट समिट हुई। एट ब्रिक्स टुक प्लेस दिस फोकस कि कैसे टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना है। नाइन्थ ब्रिक जब समिट हुई, नाइन्थ समिट में 2017 में जो चाइना में हुई थी, उसमें डिस्कस किया गया कि इमर्जिंग मार्केट्स और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डायलॉग्स को डिस्कस किया गया, और 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर्म आउट प्रपोज आउट किया गया, और उसको इन डिटेल डिस्कस किया नाइन्थ समिट में। ऐसी टेंथ समिट 2018 में हुई साउथ अफ्रीका के, जिसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्कस किए गए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज की क्यों इतनी ज़रूरत है, और क्या इससे इश्यूज और क्या सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, उनको डिस्कस किया गया। 11th ब्रिक्स समिट में 2019 में हुई थी, जो ब्राज़ील वॉज द होस्ट कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर वॉज द थीम, तो उसमें रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ किया गया, कैसे SME सस्टेनेबल ग्रोथ हो, इन सारी चीज़ों को फोकस किया गया, जिसकी वजह से जो फ्यूचर से रिलेटेड जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व किया जा सके, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जिस तरीके से एक्सप्लोटेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को बचाया जा सके। 12th ब्रिक 2020 में हुई, रशिया वॉज द होस्ट कंट्री, और इस ब्रिक का जो पार्टनरशिप था, इट थीम दैट कि ग्लोबल स्टेबिलिटी हो, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ हो। 13th ब्रिक हुई 2021 में इंडिया में, एंड हेल्ड ऑन 9th September, जो मोदी जी ने वर्चुअली इसको अटेंड किया था, एंड इट शोज कि कैसे 13 ब्रिक्स समिट में 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ द कमिंग समिट गोइंग टू टेक प्लेस 2022, जो चाइना होस्ट करेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया, कि क्यों जरूरी है ब्रिक्स इंडिया के लिए। इंडिया को कंसल्टेशन और कोऑपरेशन चाहिए था ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, ऑफ कोर्स जो डेवलपिंग और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं उनको कंसल्टेशन की भी जरूरत होती है, और उनको कुछ एज से हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ दे सके, एक्सिलरेट दे सके, और उनका जो पावर है, जो उनका इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उससे वो अपने आप को डेवलप कर सकें। तो दैट इज वाई ब्रिक्स नीडेड फॉर इंडिया ऑल्सो। इट ऑल्सो सपोर्ट ऑन टेररिज्म, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंजेस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। इंगेजमेंट ऑफ इंडिया विद अदर ब्रिक्स कंट्री ऑन NSG मेंबरशिप, और जो रिसोर्सेज है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ऑफकोर्स जब अदर फोर कंट्रीज आपको सपोर्ट करेंगी, जब आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो भी अपनी रिसोर्सेज और वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, जिससे कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने स्टेट में स्टैब्लिश कर सको और उनको फॉर्म आउट कर सको। सो दिस इज वाई, दीज आर द रीजंस कि इंडिया के लिए ब्रिक्स जरूरी हुआ, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को वो डेवलप कर सके, ग्लोबल इकोनॉमी के द्वारा नेशन की
इनकम इंक्रीज हो सके और नेशन और स्टेट की इकोनॉमी जब भी बढ़ सकती है व्हेन इट एबल टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉपरेशन और जो उनके इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व आउट कर सके विद द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ अदर कंट्रीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज रोल्स कि ब्रिक्स में इंडिया का क्या रोल रहा. इंडियाज का रोल एज अ ग्रोथ मेकर रहा है फॉर अदर ब्रिक्स कंट्रीज क्योंकि इंडिया ने ऑलमोस्ट 4 बिलियन स्पेंड करे साउथ अफ्रीका में जिसकी वजह से एक ग्लोबल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जा सके जहां पर उनको वर्क स्टेशन मिले एंड बाय दैट दे कैन हैव देयर ग्लोबल इनकम. जो इंडिया का रोल हुआ साउथ एशियन ट्रेड में उसने इंकरेज करा प्रमोट करा ट्रेड को इंक्लूडिंग प्लान्स फॉर अ डिजिटल ओपन एक्सेस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म और जो ब्रिक्स के द्वारा उन्होंने इस्टेब्लिश करा एक इंडिपेंडेंट ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कोरिलेट कर सके रैंक्स डेवलपिंग कंट्रीज से रादर देन अदर मेंबर्स. इंडिया रोल एज अ बिग ब्रदर माना गया क्योंकि जो ब्रिक्स में इंडिया की जो वॉइस है वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है एंड द यूएन स्पीकिंग आउट अगेंस्ट पॉलिसीज जो भी पॉलिसीज या कोई एक्शंस है जो इंडिया को लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ या हमारे किसी मेंबर के खिलाफ है इंडिया रेज वॉइस. जैसे कि इंडिया टर्न डाउन चाइना रिक्वेस्ट जब चाइना ने बोला कि ब्रिक्स में पाकिस्तान श्रीलंका और मैक्सिको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे बिलीव कि हमें डेवलपिंग एग्जिस्टिंग मेंबर्स को मतलब वी हैव टू फोकस ऑन डेवलपिंग रादर देन वी नीड टू एड न्यू मेंबर्स. तो उन्होंने बोला ये ब्रिक्स का जो पाथ है वो सफोकेट हो जाएगा इसलिए बेटर है कि हम अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें रादर देन एडिंग न्यू मेंबर्स. इंडिया पीस कीपिंग रोल भी देखा गया ब्रिक्स में कि ब्रिक्स मस्ट बी पीसफुल बिकॉज ट्रेड रीजन सच एज द मेडिटेरियन जब नॉर्थ अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन का जो क्रिटिकल इशूज दिए गए और देखे गए तो इंडिया ने असिस्ट किया था टाइबेटियंस को इन देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड द रोहिंग्यास और उन्होंने 1000 ट्रूप्स डिस्पैच करे थे नाइजीरिया सोमालिया सूडान और इथियोपिया को और अफगानिस्तान को जिसकी वजह से शांति बरकरार की जाए और जो सप्रेस इंटरनल अनरेस्ट शुड बी मेंटेन यूएन मिशन टू सप्रेस इंटरनल अनरेस्ट. ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया के लिए ये तो अभी तक हमने जाना कि इम्पॉर्टेंट क्यों है ब्रिक्स और इंडिया बीइंग अ पार्ट और बीइंग अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स उसने क्या रोल आउट किया. अब देखा जाएगा कि ब्रिक्स के द्वारा इंडिया में कितना हेल्पफुल हुआ इंडिया कितना इम्प्रूव करा क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया और बरकरार इकोनॉमिक ग्रोथ को रखने में इंडिया के सिटीजन्स को बेनिफिट मिला चाहे वो जॉब क्रिएशन से हो जीडीपी ग्रोथ से हो या पावर्टी गरीबी को घटाने में नेशनल आर द कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट. सो इस फोरम से एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल मैकेनिज्म मिला जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रमोट हुआ सोशल ग्रोथ हुआ पर्टिकुलरली व्हेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्डर आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस जैसे कि यूएस एक्शन हुआ था इकोनॉमिक फ्रंट क्लाइमेट चेंज जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया hope to use this platform to strengthen ties with Africa and South America and this way it makes and it enables to have the growth in itself. Jo areas mein cooperate kiya economic cooperation hua jisme rapidly dekha apne ki kaise trade aur investment flows jo BRICS countries mein dekha gaya to bahut badlav aaya bahut bada dekha us badlav ko. फिर एग्रीमेंट्स भी इंक्लूड किए गए जैसे इकोनॉमी ट्रेड कॉपरेशन इनोवेशन कॉपरेशन कस्टम कॉपरेशन ये बहुत सारे एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए जिससे कि इकोनॉमिक कॉपरेट हो सके इन ब्रिक्स की एंड यही एग्रीमेंट ने कंट्रीब्यूट करा कि कैसे ये अपने ऑब्जेक्टिव को शेयर करेंगे जिसकी वजह से इकोनॉमिक कॉपरेशन रहेगा और इंटीग्रेटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ावा और बढ़ाव आएगा. पीपल टू पीपल एक्सचेंज हुआ ब्रिक्स मेंबर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि देर इज अ नीड पीपल टू पीपल एक्सचेंज. ये चीज इसलिए उन्होंने बोली क्योंकि जैसे कल्चर से स्पोर्ट एजुकेशन फिल्म एंड यूथ ये जो एरियाज के जो लोग हैं अगर हम एक दूसरे में एक्सचेंज करें दिस विल स्ट्रेंथन द रिलेशन
दिस विल ऑल्सो मेक हार्मनी एंड इट मेक्स मोर डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल लर्निंग सिखाएगा और स्पिरिट ऑफ ओपननेस सिखाएगा. स्कॉलर से लेके रिसर्च साइंटिस्ट इन सबको एक्सचेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से दे विल डेवलप न्यू थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, इसमें यंग डिप्लोमेट्स भी होंगे, जिसकी वजह से यंग डिप्लोमेट्स फोरम में नए नए वेराइटीज के लोग देखेंगे, पार्लियामेंट्री फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स एज वेल एज द मीडियम फोरम. तो सारी फील्ड से पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा, तो दे विल लर्न न्यू थिंग्स, म्यूचुअल लर्निंग होगी, इंक्लूसिवनेस होगा और ओपननेस होगा. पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी पाया गया. इस एरिया ऑफ कोऑपरेशन में ये सारी फील्ड्स में कोऑपरेट किया एंड दे एबल टू मेक अ इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड. ग्लोबल पॉलिटिकल आर्किटेक्चर जिसकी वजह से बैलेंस रहे, रेस्टिंग ऑन द पिलर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म. ब्रिक्स नेशन हैव मेड अ कमिटमेंट कंटिन्यूसली एड्रेस. उन्होंने सोशल जस्टिस रिस्ट्रॉट जो इश्यूज होते हैं, जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए भी उन्होंने ये सारी कमिटमेंट कंटिन्यूसली एड्रेस करी. जैसे एजुकेशन, ये 5 कंट्रीज में एजुकेशन की फ्री एजुकेशन होना चाहिए, गर्ल एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए. दीज ऑल द थिंग्स हैज बीन डेवलप्ड. सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ, कल्चर डेवलपमेंट, ये 4 फील्ड्स में उन्होंने अपना मैकेनिज्म, टूल्स, पॉलिसीज, स्कीम्स रिकमेंड करी इन ऑर्डर टू हैव द ग्रोथ एट दीज लेवल्स ऑल्सो. कुछ अचीवमेंट्स जो ब्रिक्स के देखे गए कि एक्सपेंड हुआ ट्रेड, जो CRA सेटअप हुआ तो उसकी वजह से म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल एरिया में हेल्प करा ब्रिक्स को. एस्टेब्लिशमेंट हुआ जब न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो देखा गया कि देर आर प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द वेस्ट डोमिनेटेड IMF एंड वर्ल्ड बैंक. ब्रिक एज न्यू स्टेक होल्डर इन 21st सेंचुरी ग्लोबल एजेंडा माना गया, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स और पोटेंशियल डेमोग्राफिक डेवलपमेंट थे ब्रिक्स के, दे आर पुटिंग टुगेदर, जिसकी वजह से दे इंक्रीज द पोजिशन एंड सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा एंड हैविंग अ ग्रेटर से इन द ग्लोबल गवर्नेंस. देर आर सर्टेन फेलियर्स ऑफ द ब्रिक्स ऑल्सो, कि स्लोइंग डाउन हुई चाइनाज की, जब चाइना की इकोनॉमी जब स्लो डाउन हुई तो दैट कॉज टर्मोइल नॉट जस्ट इन द ब्रिक्स ब्लॉक बट अक्रॉस द वर्ल्ड. देखा कि जो ब्रिक्स है वो वेन इट फेल टू साइन एनी एग्रीमेंट विद द US, ऑफकोर्स US एक डेवलप्ड स्टेट है, सोसाइटी है, तो उनके कुछ एग्रीमेंट्स है, उनकी जो अप्रोच है उसके अगेंस्ट था ब्रिक्स, क्योंकि उनकी कुछ नेगोशिएशंस जिस तरीके से हुए अल्टीमेटली वो साइन नहीं कर पाए, तो दिस हिंडर्ड इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स कंट्री. मंदी आई रशिया और ब्राजील में, व्यापारी मंदी बोल लो या पॉलिटिकल, तो दे गॉट आइसोलेटेड. US आफ्टर द यूक्रेन क्राइसिस हैज ट्रेमेंडियस नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमी नहीं बढ़ पाई और इवन द ब्राजीलियन इकोनॉमी स्लिपिंग इन टू रिकेशन. फेलियर टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आर फेल्ड, दे फेल्ड कि कैसे, मतलब सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने में वो बुरी तरह नाकामयाब हो गए. जो डिस्पैरिटीज थी, स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटीज बिटवीन चाइना एंड अदर ब्रिक मेंबर्स, दे आर इट कॉज सम रिजल्ट, जिसकी वजह से डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द ब्रिक्स ब्लॉक हुआ और टर्न हैज स्टॉक्ड द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन अदर मेंबर कंट्रीज. ब्रिक्स के जो कंट्री थी विद इन देम टेंशन हुआ, जिसकी वजह से रीजन ये था कि उनकी पॉलिसी, जो उनका कोऑर्डिनेशन था उसमें तालमेल अच्छा नहीं था. इंडिया चाइना टाइज हैव विटनेस अ स्टेडी डिटरेशन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो एट द एंड हम ये कहना और ये जान के ये बोलना चाहेंगे कि लास्ट ईयर जो था ब्रिक का वो 10 ईयर्स कंप्लीटेड हुए एंड दिस माइलस्टोन अर्ज कि there is a broad look at its achievement potential and limitations. of course brics ki potential achievement aur limitations dekhi gayi. 2020 se both natural and man made hazards dekhe humne, ki there were the event ki australian fires hua, iranian crisis, arms control challenge, brexit and other trade war, और रिसेंटली COVID-19 आउटब्रेक की वजह से एक स्ट्रेस टेस्ट टू पीपल, स्टेट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से जो ये 5 बिग 5 लीडर्स हैं, दे नॉट एबल टू ऑब्स्टेकल, लाइक जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो इश्यूज थे, उनको हैंडल करने में नाकामयाब रहे. मेन चैलेंजेस जो देखा गया ब्रिक्स स्टेट में, कि
फॉरेन पॉलिसी कनेक्ट एक्शंस नहीं थी रिगार्डिंग ग्लोबल गवर्नेंस एंड कॉपरेशंस, इंटरनल एजेंडाज और जो उनके इकोनॉमिक ग्रोथ रिज्यूमिंग एंड ओवरकमिंग द ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस हुए और डिक्लाइन हुआ इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, आउटफ्लो ज्यादा हुआ कैपिटल का जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया। ब्रिक कंट्री हैव एन एक्सलेंट पोटेंशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट बट हाउएवर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अभी भी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल टू ओवरकम है एंड दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर बट विदाउट द पॉलिटिकल क्लाइमेट बींग मोर कंड्यूसिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट द वर्ल्ड इज अनलाइकली टू सी द ब्रिक एज फुली डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो ओवर द पास्ट डिकेज हमने देखा जो कंबाइंड ब्रिक्स की जीडीपी है वो 179% ग्रोथ आउट करी, जो टोटल ट्रेड है मेंबर नेशन का वो 94% बढ़ा। विद रैपिड डेवलपमेंट द ब्लॉक हैज आल्सो बीन अ पावरफुल ड्राइवर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर अबाउट द ब्रिक्स एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।